Hello, good morning. This is DPT5 of Hello alkanes and haloarenes. The important questions of elimination reactions and reaction with metals of hello alkanes. Okay, so let's start it. Question number one: CH3 whole 3 CBR QH ethanol. Ethanol means alcohol. So this is alcoholic QH, right? So let us draw the structure of this compound. इसे ब्रोमाइड भी कहते हैं आपने एच डाला, इट विल डू द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा है वो तो जाएगा ही जाएगा और साथ में इसके नेबर वाले कार्बन से एच निकलेगा बाय चांस तीनों नेबर सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी एच निकाल लो चलो यहां से निकाल लेते हैं वन एच एंड यू विल गेट सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू एंड सी एच थ्री प्लस

तीनों एल्काइल हैलाइड्स में डाल ठीक है वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर वन मिथाइल यहीं पर मिथाइल है और वन पर ही ब्रोमो है यहीं पर ही ब्रोमो है अब इसकी रिएक्शन करवानी है एल्कोहलिक NaOH के साथ KOH और NaOH एक ही बात होती है यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम इथॉक्साइड सोडियम इथॉक्साइड होता है C2H5ONa इन एल्कोहलिक यानी कि एल्कोहल की प्रेजेंस में राइट right? ये भी डिहाइडो करता है जिस कार्बन पर हेलोजन होता है वो तो जाएगा ही जाएगा उस कार्बन के नेबर का भी एच जाएगा अब इस कार्बन के दो नेबर हैं ये सिमिलर है हम इसको एक मानते हैं बिकॉज सिमेट्रिकल है एक नेबर ये है तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर तो ऊपर से एच जाएगा तो यहाँ सी एच टू आ जाएगा अगर साइड से एच जाएगा तो सी एच थ्री तो वही रहेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा सो ये मेजर बनेगा क्यों बनेगा मेजर ये हाईली सब्सिट्यूटेड है उसका क्या मतलब होता है जिन दो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है उसके ऊपर ग्रुप्स होने चाहिए वन ग्रुप ये रहा टू ये रहा थ्री रहा थ्री सब्सिट्यूएंट है और यहाँ पे जिन दो कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसके पास तो कोई ग्रुप ही नहीं है एक ग्रुप ये है एक ये इसके दो है तो हाईली सब्सिट्यूटेड ये है लेकिन हम याद कैसे करते हैं जहां डबल बॉन्ड अंदर की तरफ होता है ना जितना अंदर की तरफ ये देखो अंदर की तरफ है ना ये मेजर बनेगा या डबल बॉन्ड बाहर किनारे पर है ये माइनर बनेगा नेक्स्ट है टू मिथाइल ब्यूटेन लो पहले ब्यूटेन बनाते हैं फिर टू पे क्लोरो और टू पर ही मिथाइल लगा देते हैं एच को कंप्लीट कर देते हैं अब इसमें के डालो एल्कोहलिक एन डाला हुआ है वैसे सोडियम इथोक्साइड और इथोनोली की बात होती है ये सब करते हैं जिस कार्बन पर सीएल लगा है उस कार्बन के तीन पड़ोसी हैं वन पड़ोसी टू पड़ोसी दोनों पड़ोसी सिमिलर है एक ही प्रोडक्ट बनेगा एक ही वाला पड़ोसी है तो हम क्या करेंगे सी एच थ्री अगर इस पड़ोसी का एच जाता है तो डबल बॉन्ड यहां आएगा लाइक दिस एच लगा लेना आपने आप और दूसरा क्या बनेगा प्रोडक्ट अगर यहां से एच निकलेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये सेम रहेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच टू आ जाएगा मेजर कौन सा बनेगा ये वाला कैसे पता चला इसमें डबल बॉन्ड अंदर की तरफ है इसमें किनारे पर है सो ये बनेगा हमारा मेजर और वो बनेगा माइनर ठीक है नेक्स्ट है टू टू थ्री ट्राई मिथाइल थ्री ब्रोमोपेंटेन वन टू थ्री फोर फाइव टू टू थ्री टू टू थ्री प्राइमिथाइल ठीक है और थ्री ब्रोमो थ्री पर ब्रोमो है पेंटेन दिस इज द स्ट्रक्चर अब इसमें भी आप डी आइड्रोहैलोजिनेशन करो यानी कि सी टू एच फाइव ओ एन ए और एल्कोहल की प्रेजेंस पे जिस कार्बन पर बी आर है उसके तीन पड़ोसी हैं वन पड़ोसी टू पड़ोसी थ्री पड़ोसी इसमें एच टू लगा देते हैं हम लोग देखो इस पड़ोसी के पास तो कुछ है ही नहीं तो यहां से तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं एक डबल बॉन्ड बनेगा यहां पर एक डबल बॉन्ड बनेगा यहां पर कैसे ये देखो राइट right? और एक डबल बॉन्ड बनेगा नीचे की तरफ देखो तो मेजर कौन सा बनेगा ये वाला ये मेजर है ओके नेक्स्ट इज इसमें भी है। ये तो जाएगा ही जाएगा। एच जाएगा जाएगा, नेबर का अब जिस कार्बन पर आई है उसका एक नेबर ये है एक ये और ये सिमिलर है, तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे सेम अभी हमने ऊपर बनाया भी था सेम टू सेम है वहां ब्रोमो था बस यहाँ पे आइडो है एक ये बनेगा और एक बनेगा ये वाला ये मेजर बनेगा राइट अब इसमें एक्वस केओएच है पॉइंट इज टू बी नोटेड ये एक्वस है वो एल्कोहलिक था दोनों केओएच है अगर एक्वस होगा ना फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होगा जहां पे आई लगा हुआ है वहां पे ओएच आ जाएगा बस दिस इज द डिफरेंस अब इस पे आ जाओ अल्कोहोलिक केओएच है ये बीआर हटेगा इन दोनों पड़ोसियों का एच हटेगा वन बाय अगर इसका एच जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा अगर इसका एच जाएगा बी आर के साथ तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ पर दो एल्कीन बनेंगे एक ये वाला और एक ये वाला कोर्स ये मेजर बनेगा इसमें डबल बॉन्ड अंदर की तरफ है कहते हैं रूल कौन सा फॉलोड हुआ है इस रूल को बोलते हैं

डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा ब्रोमीन जाएगा और नीबर का एक हाइड्रोजन जाएगा तो आपको मिलेगा सीएच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू ओके नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल्स इसी का ये 5 का दो टॉपिक्स कवर्ड थे इसमें रिएक्शन विद मेटल्स एल्काइल हेलाइड है ब्रोमोमिथेन मैग्नीशियम डीईओ ड्राई एथर जो मैग्नीशियम है दोनों के बीच में आ जाएगा तो यहां बनेगा सी एच थ्री एम जी बी आर और इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीच राइट अब इसमें डाल दो आप वॉटर ये बेवफा है भाग जाएगा एम जी बी आर वॉटर के टू पार्ट्स होते हैं एक ये और एक ये एच को दे देगा सी एच थ्री को ये मिथेन बन जाएगा और जो मैग्नीशियम है वाटर के ओ OH एच के साथ मिल रहा है तो पहले से था ओ OH एच भी ले लेगा यानी कि एल्केन बना देगा तो ग्रिग नार्ड रीजेंट में जब भी आप वाटर डालोगे तो एल्केन बनेगा अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ जाएगा इसका तो काम ही यही है यह मैं यहाँ बना देती हूँ ये देखो एम जी बी आर अब इसमें वाटर डाला हुआ है तो यहां से तोड़ के भाग जाएगा और यहाँ पे एच यानी कि एल्केन बन जाएगा प्लस एम जी बी आर ओ एच नेक्स्ट है आर बी आर मैग्नीशियम तो यहाँ क्या बनेगा आर एम जी बी आर दोनों के बीच में एंट्री कर जाएगा डी टू ओ डाला तो ये बना यहाँ पर तो बताया नहीं आर कौन है यहाँ बता दिया आर कौन है आर ये है जहां पर डी लगा हुआ है क्योंकि डी टू है अगर वाटर होता तो एच आता डी टू ओ होता है तो डी आता है अब जहां पर डी लगा हुआ है ना इसका मतलब ये बी आर वही लगा हुआ था तो आर कौन है जो आर बी आर की स्ट्रक्चर है ना वो ये वाली है कैसे पता लगाया है? कि ब्रोमीन सेंटर वाले पे यहां से पता लगाया क्योंकि डी टू ओ डालने पर डी यहां आया है और हम ये देख रहे हैं जहां पर मैग्नीशियम होता है वही तो डी आता है सो ये है अगर इसमें आप मैग्नीशियम ऐड करते हो तो मैग्नीशियम बी आर और कार्बन के बीच में एंट्री करता है और अगर इसमें डी टू डालोगे तो यहां से जाएगा देखो आर बी आर हमने बता दिया ये आर बी आर यही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को देखो इसमें हमने सोडियम और ड्राई ईथर डाला तो ये बना दिस इज वुड्स रिएक्शन अगर तुम्हें याद हो वुड्स रिएक्शन में डब्लिंग होती है ये इसकी डब्लिंग से बना है तो सोचो डबलिंग कहा हुई पड़ी है इस जगह पे इसको काट के अलग करो इसका मतलब ये वाला एल्काइल था इसमें सोडियम और ड्राईथर डाला इसकी डबलिंग हो गई टू एन एक्स बन गया और ये जो सी है ना ये देखो ये बना है तो आंसर क्या है आर डैश एक्स कौन है ये है ये आंसर है आर डैश वाला है ठीक है आगे कहते हैं मैग्नीशियम डालो अब मैग्नीशियम डालेंगे इसी में सी 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 एक्स आप इसमें मैग्नीशियम ऐड करो तो दोनों के बीच में एंट्री मार जाएगा एज यूज हुए इसके ऊपर वाटर डाल दो यहां से काट के भाग जाएगा और यहाँ पे एच दे जाएगा दिस इज द पैटर्न ऑफ आर एन जी एक्स हमें पैटर्न को फॉलो करना है राइट right? नेक्स्ट ये वुड्स रिएक्शन है सोडियम और क्लोरीन भाग जाएंगे इसकी डबलिंग हो जाएगी टू अपने आप लगाना होता है हमें यानी कि टू कार्बन के फोर हो जाएंगे टू थ्री फोर दिस इज वुड्स रिएक्शन टू एन बन जाएगा यहाँ पर भी देखो एनए भाग जाएगा डबलिंग हो जाएगी लेकिन आपको ध्यान रखना है डबलिंग उस जगह से होगी जहां पे क्लोरीन लगा हुआ था ये आंसर है इसका प्लस टू एन बन जाएगा टू टू अपने आप लगा लेते हैं हम लोग ठीक है अब इस कंपाउंड में देखो एनए भाग जाएगा टू अपने आप लगा लो यहाँ पे वे रिएक्शन है ये भी गया ये भी गया यहां से डबलिंग हो जाएगी सी ये था ना सामने भी ऐसा मौलिक था उसके साथ डबलिंग हो जाएगी करेक्ट नेक्स्ट है एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन विद एग्जाम्पल यही वुड्स रिएक्शन है इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई वी गेट हायर हायर का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ कार्बन एटल वाला एल्केन मिलता है हमें ठीक है दिस इज वुड्स रिएक्शन वाई ग्रीगनार्ड रीजन शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन मीन्स ग्रीगनार्ड रीजन के वक्त वाटर नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन है खुद ही देख लो इफ वॉटर इज प्रेजेंट इट विल रियक्ट टू मेक एल्केन ये देखो ये एल्केन बना देगा ठीक है सो so इसलिए नहीं होना चाहिए वाई आर एम जी एक्स इज नोन एज ऑर्गेनो मटैलिक कंपाउंड आर होता है कार्बन बेसिकली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रुप हो गया ना मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम ऑर्गेनो मटैलिक एक ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन मटैलिक का मतलब मेटल नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ आर एक्स एलकाइल मिलता है बट एल्कोहली के ओ एच के साथ एल्किन मिलता है सेम ये चीज मैंने पॉइंट आउट करी थी वहां पे ये देखो पहले तो तुम्हें इसका मीनिंग बता देती हूँ ये एलकाइल हेलाइड है इसमें एक्वस एनओ एच या के ओ एच कैन टेक यहाँ पे के ओ एच लिखा हुआ है अगर हम डालते हैं तो हमें मिलता है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सेम एल्काइल हेलाइट में हम एल्कोहलिक के डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा एल्कीन ये चला जाएगा साथ में ये भी चला जाएगा हमें एल्कीन मिलता है यही हमारा क्वेश्चन है कि वाटर में ऐसा क्या है और एल्कोहल में ऐसा क्या है देखो ओ OH का बेसिक करेक्टर होता है बेसिक करेक्टर का मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन को भगा के ले जाता है पड़ोसी के हाइड्रोजन को भगा के ले जाता है तो वाटर में क्या होता है ओएच OH का जो बेसिक करेक्टर होता है ना लॉस्ट हो जाता है किस में इन एक्वस मीडियम में क्योंकि जो वाटर है ना इसको हाइड्रेट कर देता है चारों तरफ से घेर लेता है बेसिक करेक्टर ऑफ ओ एच नेगेटिव इज लॉस्ट इन एक्व सोल्यूशन बिकॉज इट इज हाइड्रेटेड हेविली हाइड्रेटेड ये हाइड्रेटेड हो जाता है चारों तरफ से पानी घेर लेता है इसलिए बेचारा सब करता है बट इन एल्कोहलिक काल्कोहलिक का एच OH का जो बेसिक करेक्टर होता है ना वो रिटेन रहता है बेसिक करेक्टर इज रिटेन मीन्स इसका एलिमिनेशन करेक्टर रिटेन हो जाएगा बिकॉज एल्कोहल इट्स सेल्फ इज अ वेरी गुड एलिमिनेशन वेरी गुड एलिमिनेटर ऑफ एच पॉजिटिव ये भी एच पॉजिटिव को भगाने का काम करता है एलिमिनेट करने का काम करता है ठीक है सो दिस इज द आंसर Next question है nine C four H nine Br primary alkyl halide gives on gives B on reaction with alcoholic KOH and B on reaction with HBr gives C which is isomer of A when A is treated with sodium metal it gives C eight which is different from compound when n butyl bromide is treated with sodium give the structure of A B C and D Now see carefully. C four Br is a. ये primary alkyl halide है. It's written. ठीक है. जब हमने इसमें alcoholic KOH डाला तो हमें B मिला. Understood alkene होगा भी? B. B में जब हमने HBr डाला हमें C मिला. जो C है ना ये isomer है A का. फिर ये कहता है ए में हमने सोडियम डाला ड्राईथर डाला सी एट एच एटीन बना ये वो नहीं है जो एनब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनेगा ये वो नहीं है जो एनब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनेगा मीन्स इशारे में हमें बता रहा है कि ये एनब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है तो हम क्या करते हैं पहले इसके आइसोमर्स बनाएंगे पहला आइसोमर बनेगा एनब्यूटाइल ब्रोमाइड वो मना कर रहे नहीं है नहीं है दूसरा बनेगा ये वाला ये तो सेकेंडरी है ये भी नहीं है तीसरा बनेगा ब्रोमीन को यही लिखो सी को यहाँ लिखो ये प्राइमरी है यही होगा एक फोर्थ बनता है वो है टर्शरी ये तो बिल्कुल नहीं है तो कुल मिला के हमारा एक रैक हो गया कौन है ये है ये ए है देखो ये ए है ना यही है मैं दोबारा बना रही हूं यहाँ पे दिस इज ए इसमें हमने एल्कोहलिक के ओ एच डाला ये बी आर जाएगा पड़ोसी का एच जाएगा इस पड़ोसी का सो यू विल गेट डबल बॉन्ड हियर अब इसमें एच बी आर डालते हैं एच बी आर डालेंगे एच यहां जाएगा बी आर यहाँ तो आपको मिलेगा ये राइट right? अब हम आ, ये हो गया ये इसका आइसोमर है ये सी है ना ये सी है ये बी है ये ए है नो डाउट सी जो है ना ए का आइसोमर है अब इट कि इसमें ए वाले में जो ए था ना इसमें सोडियम और

टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन एंड डी इज ये डी है हमारा ये हमारा डी है वन टू थ्री फोर फाइव टू फाइव डाई मिथाइल हेक्से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम मिथाइल ब्रोमाइड ये होता है प्लस सोडियम रिएक्शन है ये इसको लेके भाग जाएगा इसकी डबलिंग हो जाएगी यू विल मी क्लियर ऑल दीज ड्रॉइंग्स अब ये रह गया हमारा एनब्यूटाइल क्लोराइड एनब्यूटाइल क्लोराइड होता है ये पहले कार्बन पर क्लोरीन इसमें सोडियम और ड्राई इधर डालोगे ना डबलिंग हो जाएगी तो जहां से सीएल हटेगा वहीं से डबलिंग होगी ये देखो ऑक्टेन बन जाएगा नॉर्मल सेकलोराइड इसे कहते हैं सेक ये क्लोरोब्यूटेन को कहते हैं सेकब ब्यूटाइल क्लोराइड इसमें सोडियम और ड्राई इधर डालेंगे तो डबलिंग हो जाएगी लेकिन डबलिंग उस जगह से होगी जहां पर क्लोरीन लगा हुआ था इस जगह से ठीक है तो इसका नेम हो जाएगा थ्री फोर डाइमिथाइल हेक्सेन, राइट नेक्स्ट है टर्ड बुटाइल क्लोराइड टर्ड बुटाइल क्लोराइड इसे कहते हैं ठीक है प्लस सोडियम और ड्राइथर की प्रेजेंस पे ये एन भाग जाएगा और यहीं से डबलिंग हो जाएगी ये देखो राइट right? यहां से डबलिंग हो जाएगी और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट ठीक है सो दिस इज द बेसिकली डीपीटी फाइव जिसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हमने किया और रिएक्शन विद मेटल्स किया दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सो अब आप अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डीपीटी में और बहुत सारा पढ़ते रहो सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होगा सेल्फ स्टडी करते रहो बहुत सारा पढ़ते रहो ओके बाय बाय टेक केयर